गाइस क्या हाल है आपके। होप करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे, आपके घर वाले पूरे बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ और आज मैं इस ब्लॉग में आई हूँ लेके एजे हॉल। तो मैंने दो चार चीजें खरीदी थी और मैं चाह रही थी कि आप लोगों को दिखाऊं या बताऊं कि ये किस प्राइस में मुझे मिली और मैंने क्या खरीदा है, तो मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों से डिस्कस करना। सो आज हम अपना ये एजियो हॉल लेकर आए हैं, तो चलो करते हैं स्टार्ट हम लोग। तो मैं स्टार्ट करूंगी मेरे पहले कपड़े से जो मैंने लिया है। तो मैं पहला निकालती हूँ अपना ये जो मेरा टी शर्ट है, मैं सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इससे। तो मैंने ये टी शर्ट ली थी, ये मेरे को बहुत रिजनेबल प्राइस में मिली और ये बहुत प्यारी है, पहनने के बाद ये बहुत खूबसूरत भी लगती है। सो आप इसको देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छी है। सो मैं इसको पूरा साइड में भी आपको दिखा दूंगी कि इसका फुल लुक कैसा लगता है। और पता है इसका जो कपड़ा है बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट है, मतलब ये समर्स के लिए इट्स वेरी गुड। मतलब आपको स्वेटिंग जैसे आती है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, इसमें स्वेटिंग बिल्कुल नहीं आएगी आपको, इसीलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ऊपर से बेस्ट बात ये है कि इसमें जो डिज़ाइन है वो भी बहुत प्यारा है, कूल है। आप जैसे शाम को कहीं जा रहे हो और या कहीं कॉफ़ी पीने भी जा रहे हो तो यू कैन वियर दिस। सो मुझे ये बहुत अच्छी लगी और इसका ये प्राइस भी बहुत सस्ती है, मतलब ये 500 के अंदर है, यानी कि 400 से भी के भी नीचे है। तो इसका प्राइस के हिसाब से इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, रीजनेबल लगा। तो मेरा ये पहली टी शर्ट है और ये मेरी सेकेंड टी शर्ट है। ये भी बहुत कूल है, मतलब ये सारे ना समर वियर है। तो समर्स में अब क्या होता है कि धूप बहुत होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, कहीं कहीं क्या होता है हम जाते हैं वहाँ पर कहीं एसी काम नहीं कर रहा होता है या बहुत सारी चीज़ें होते हैं। और वैसे भी मुझे ये टी शर्ट, इस तरह की टी शर्ट चाहिए थी, थोड़ा सा मतलब बड़ी साइज़ में, क्योंकि एकदम ना चिपकी टी शर्ट एकदम सा घुटने लग जाता मेरा। सो मुझे इस तरह का थोड़ा ओवर साइज्ड टी शर्ट पसंद थी, तो मैं लेना चाह रही थी। तो ये मुझे बहुत ही, ये भी मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिली, जो कि मैं ऊपर मेंशन कर दूँगी। और मतलब बहुत कूल है, ये कॉटन स्टफ है, मतलब बहुत ही प्यारा है, मुझे अच्छा लगा ये भी। सो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट, एजियो सेल में ही है, ये भी बहुत ही अच्छी है। तो उसको पहनने के बाद ना एकदम कूल लगता है, एकदम खुला एकदम, मतलब घूमने के एकदम निकल जाओ बस ऐसा लगता है, मतलब बहुत ही लाइट है, मुझे बहुत पसंद आया इसका कपड़ा। ये भी मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गई है और इसका जो ब्रांड है वो भी अच्छा है, एंड एजियो सेल में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। सो हम आते हैं अभी मेरे मोस्ट फेवरेट टॉप के ऊपर, जो कि मैंने अभी 2-3 महीने की वेटिंग में डाला हुआ था, क्योंकि उसके डिस्काउंट नहीं हो रहा था, उसका कम हो रहा था। फिर मैंने उसको एड बॉक्स में डाला और ऐड आइटम्स में डाल के इसको मैंने बार बार मतलब देखती रहती थी, जब भी सेल लगती थी देखा एक लास्ट की हाँ कि अभी मैं इसको ले सकती हूँ, तो फिर मैंने उसको लिया। और मैं आपको दिखाती हूँ वो टॉप, ये भी मैंने एजियो से लिया है और इसकी जो कंपनी का नाम है वो है नेकेड। सो यू कैन सी इसका स्टफ भी कॉटन का है और आप भी गर्मी में आप पहन लो, एकदम आपको मलमल जैसा, जैसे मलमल हमारे घर में बोलते हैं, घर में मम्मी पापा बोलते थे ना मलमल के कपड़े हैं तो सॉफ्ट, सेम वैसे ही है। सो ये है, ये मलमल का जैसा लग रहा है एंड इसको पहनने के बाद ना बहुत अच्छी लुक आती है। एंड इसका ये बैक है, अभी मेरे ख्याल से है नहीं है, आई डोंट नो, लिखना पड़ेगा इस पर, लेकिन ये बहुत अच्छा है, जब भी हो आप इसको ले सकते हो, ये बहुत अच्छा। नेकेड तो ऑलरेडी बहुत अच्छी कंपनी है, एजियो पे अक्सर सेल चलती रहती है, वो बहुत अच्छी सेल चलती है। मुझे लग रहा है कि ना शोर आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पड़ोस में ना कोई शिफ्ट हो रहा है अभी, तो आई थिंक उनका बहुत ज़्यादा शोर है, मैं खुद डिस्टर्ब हो रही हूँ। बट एनीवेज मेरा लगभग ब्लॉग ख़त्म ही होने वाला है, तो कोई नहीं, अभी हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, फिर जल्दी जल्दी कर देते हैं, बिकॉज मुझे भी शोर से बड़ा इरीटेशन होता है। तो ये मेरा फेवरेट टॉप है, जो कि मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो मुझे ढूंढना पड़ रहा है, मैंने ना सारे मिक्स कर दिए सारी चीज़ें, तो समझ नहीं आ रही है। तो अभी मेरे हाथ में जो आया है, ये आया है ट्राउज़र, वाइट कलर का है ये, और ये भी बहुत अच्छा है। इस पर आपको पता ही है कि इस पर कोई भी कलर जा सकता है, चाहे आप लाइट कलर ले लो चाहे डार्क कलर ले लो, लेकिन आपको उस पर पहनने का सेंस होना चाहिए, इसमें इसको आपको स्टाइलिंग आना चाहिए। अगर जो इंसान, जो बंदा जानता है स्टाइलिंग करना, वो आराम से कैरी कर सकता है कोई भी चीज़ किसी भी कलर में। सो यू कैन वियर दिस ट्राउज़र, तो मुझे ये इसलिए पसंद आया। तो मैं चाह रही थी कि एक और इसको पहन के मैं, अगर मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं और मंगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत रीजनेबल प्राइस एंड बहुत कपड़ा भी अच्छा है और इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो बहुत इजीली, बहुत ही सॉफ्ट है। और इसको आप ना एक कोने में, एक पर्स में भी तरीके से एकदम छोटू सा है, बैग के कोने में आ जाएगा, तो दिस इज़ बहुत बहुत क्यूट। सो मेरा ये फोर्थ है टॉप, ये बहुत छोटा सा प्यारा सा टॉप है,
ये इस तरह का है कुछ, मतलब मैं देख लूँ पहले आगे पीछे किधर है। हाँ, दिस इज़ बैक एंड दिस इज़ फ्रंट। ये ऐसे है क्यूट सा, ये ब्लैक कलर का है, ये भी बहुत खूबसूरत है। इसको भी आप शाम को कहीं भी पहन सकते हो, इवन इसको आप हल्की सी, जब हल्की सी, बहुत हल्की सी, जैसे हवा चल रही होती है, ठंडी सी होती है, उस पर भी आप ना इसको ब्लेजर पहन के इसके अंदर ले सकते हो। ये बहुत अच्छा लगता है और ओवरऑल ये बहुत ही प्यारा है। इसका भी मटेरियल बहुत हल्का है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही प्यारा भी है। और सॉफ्ट है कि चुभने वाला नहीं है, और इसमें भी आपको स्वेटिंग नहीं होएगा, और बहुत ही अच्छा है। मतलब मुझे ये बहुत खूबसूरत लगा ये छोटू सा। सो रही बात इसकी प्राइस की, तो इसका प्राइस बहुत कम है, और प्राइस के हिसाब से जिस तरह का ये टॉप है बहुत अच्छा है। अगर आप बड़ी बड़ी ब्रांड्स में बहुत जाते हो और अपना पैसा बहुत ज़्यादा फूंकते हो तो वो एक कभी कभार के लिए अच्छा लगता है, मगर मुझे लगता है कि अगर हमें अच्छी चीज़ मिल रही है, नॉर्मल दाम में मिल रही है और सेल में मिल रही है, वो ज़्यादा अच्छी है। मैं हमेशा यही प्रेफर करूँगी। तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना भी अर्न करता हो, मगर पैसे का सेविंग करना हर किसी को आना चाहिए। सो अब हम आते हैं एक और की तरफ, जो कि मेरा शायद एक लास्ट बचा है। इसका टैग भी नहीं निकाला है, और क्योंकि उन्हें भी पहना नहीं है, बस इसको पहन के ट्राई किया था। तो ये है मेरा मोंटी कार्लो का लोअर, जो कि बहुत ही अच्छा है। मोंटी कार्लो कंपनी का जो चीज़ें होती हैं वैसे भी बहुत अच्छी होती हैं, और ये मैंने लिया है एजियो हॉल से। तो ये जो इसका जो स्टफ है, इट्स वेरी सॉफ्ट। इसको आप पहन के आराम से सो सकते हो, मतलब आराम से घर पे भी पहन के रह सकते हो पूरे दिन के लिए, क्योंकि आप घर में आ रहे हो, काम करके आते हो और घर में आते हो, तो आपको कंफर्ट चाहिए होता है यार, कि भैया हमें बिल्कुल सुकून मिले, चाहे हमारा शरीर हो चाहे हमारा दिमाग हो। तो ये शरीर के लिए, कंफर्ट के लिए तो ये लोअर है मोंटी कार्लो का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका जो दाम है ना यार, इसका प्राइस बहुत ही कम है, जो क्योंकि आप हमेशा, मैं यही कहूँगी कि आप हमेशा सेल में से लो, और ये बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है, और ये पहनने के बाद तक कूल लग रहा है। आप ये भी आप देख रख सकते हो ना कि तक कूल लग रहा है। तो मेरे को ना ये इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, कि मैं मतलब कहीं देख ले, जैसे ऐप होते हैं उसको स्क्रॉल करते रहो और पता चलता रहता है कि कौन सी चीज़ कितनी में हुई है, और मैं ये भी देखती हूँ कि इसमें प्राइस कितना ड्रॉप हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो आफ्टर ड्रॉपिंग प्राइस आप लेते हो तो चीज़ का मतलब उतना दुगना मज़ा आ जाता है। तो मुझे ये सब, मैंने समर वियर लिया है सारा कुछ जो भी है, और आगे भी मैं जो भी लूँगी या जो भी परचेज़ करूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, आपको ज़रूर बताऊँगी, इवन इनका व्यू भी बताऊँगी, क्योंकि मुझे मालूम है अभी फ़िलहाल मैंने जो लिया बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, जो मेरी छोटी सी शॉपिंग थी जो कि मैंने आपको दिखाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।